अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इंशाल्लाह ठीक ही होंगे अल्लाह के हुक्म से। आज भी मैं हमेशा की तरह बहुत ही मज़ेदार, दिल को भाने वाली टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। मटन दही दम, बिल्कुल आसान रेसिपी, और माशाल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे मज़े ले लेकर खाएँ, फटाफट किचन में जाएँ, मटन दही दम गाढ़े गाढ़े मसाले के साथ बनाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन लिया है हमने 1/2 kg। आज हम बनाएँगे घी में रेसिपी, बनाकर देखिएगा इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होगा। 2 चम्मच घी के डालूंगी मैं, ये नॉर्मल चमचे हैं। ऑयल डाल दिया है मैंने, अब डालूंगी खड़े मसाले, थोड़े से लिए हैं खड़े मसाले मैंने। ये छोटा सा तेज़पत्ता, छोटा सा दालचीनी का पीस, बादियान का फूल, जायफल, जावित्री और 4-5 काली मिर्च, 5-6 2 लौंग, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, ये दोनों मिक्स है। 1 अदद प्याज, हल्का सा भून लेंगे हम इन्हें ताकि हमारे सालन का कलर अच्छा साफ सुथरा आए, ब्लैक ना हो। 1/2 kg मटन है, ये भून लेंगे। मटन की सिलाई हम बहुत ही अच्छे से करेंगे। 2-3 साबुत हरी मिर्च, भुनाई कर ली है मैंने अच्छी सी। अब मैं डाल दूंगी इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी और 30 से 35 मिनट तक ढककर रख देंगे ताकि मटन हमारा अच्छा सा गल जाए। उबाल आ चुका है माशाल्लाह, अब आँच कर देंगे कम और ढककर रख देंगे लो फ्लेम पर। टाइम हो चुका है दम का, खोल कर देखते हैं। माशाल्लाह पानी हो चुका है खुश्क यानी कि ड्राई। अब हम डालेंगे कुछ पिसे हुए मसाले, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा चिकन पाउडर और 1/2 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून वाइट मिर्च। अब इनकी कर लेंगे हम अच्छे से भुनाई, पानी को धोने तक। जितनी अच्छी बुनाई अगर करेंगे हम, उतना ही मज़ेदार हमारा ये मटन दही दम बनेगा इंशाल्लाह। और मसाले के साथ ही हम डाल लेंगे नमक, नमक लेंगे हम 1/2 टीस्पून से भी कम, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से लिया करें नमक। और 1 कप हम लेंगे दही, इसमें से 4-5 टेबल स्पून हम दही बचा लेंगे, वो मैं बाद में बताऊँगी आपको हम किस लिए बचाएँगे। दही के साथ कर लेंगे अच्छे से भुनाई। दही दम की हो चुकी है माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार सी भुनाई, बहुत अच्छे से खुशबू के साथ। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 कप पानी ताकि दही का टेस्ट हमारे मटन में अच्छा सा आ जाए। और दम पर रख दूंगी 4 से 5 मिनट के लिए। हल्की सी ग्रेवी हम रखेंगे, माशाल्लाह आप देख सकते हैं कलर इसका कितना प्यारा आया है। दही ले लूँगी मैं 3 से 4 टेबल स्पून जो मैंने बचा कर रखी थी। 4 टेबल स्पून दही में 1 चुटकी नमक, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून ही काली मिर्च। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। मिर्च आपको जितनी चाहिए उतनी ले लेंगे हम, मैं ले लूँगी 3-4 मिर्च इस तरह से हम कट लगा कर, और इनके बीज निकाल देंगे फिर इसमें भरेंगे ये मज़ेदार सी दही। मिर्चों के मैंने बीज निकाल दिए हैं, अब इस तरह से हम इसमें दही भर लेंगे। मिर्चों में अब हम दही भर लेंगे। दोबारा से माशाल्लाह भुनाई पे आ चुका है हमारा ये मटन। अब मैं डाल दूंगी हरी मिर्च जिनमें हमने दही भरी है, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लग रही है हमारी ये मिर्च। 10 मिनट के लिए दोबारा दम पर रख देंगे ताकि हमारी हरी मिर्च गल जाए। माशाल्लाह आप देख सकते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार कलर के साथ और बहुत मज़ेदार खुशबुओं के साथ हमारा ये मज़ेदार मटन दही दम रेडी है। आज की हमारी आसान सी रेसिपी इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी, बनाइएगा ज़रूर। मिलते हैं इसी तरह की एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।